बस दुआएं चाहिए आपकी कि 2006 में पहला एशियन गेम्स में खेला था और उसके बाद अभी मौका मेरे को मिला है, तो बस कोशिश करेंगे कि अच्छा करें, फिर से देश के लिए कुछ अच्छा करें और बस आप सबकी दुआएं चाहिए उसमें। हमेशा जब आप मैट पर आते हो तो जो उत्साह होता है पूरे देश में, जो लोग देख रहे होते हैं टीवी पे या जो स्टेडियम में होते हैं, वो बस यही इंतजार कर रहे होते हैं कि अब अगले 10 या 11 सेकंड में ये कुश्ती खत्म होने वाली है, क्योंकि सुशील भाई अगले को मौका नहीं देंगे। नहीं, कोशिश यही रहेगी कि जो जिस तरीके से ट्रेनिंग की है कि वहाँ हम 100% दे सकें और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। देश का झंडा जब ऊपर जाता है, खासतौर पर देश के बाहर जब एथलीट देश के लिए मेडल लाने की कोशिश करते हैं, वही एक बहुत बड़ी बात होती है कि देश के लिए खेल रहे हैं। देश के लिए खेलना ही अपने आप को, मैं तो ये मानता हूँ कि जो खिलाड़ी देश के लिए खेलता है तो वो एक दिल में ये सोचता होगा कि मैं अपने आप को गौरवान्वित वो महसूस करता होगा कि हाँ, देश के झंडे के नीचे हम खेल रहे हैं, देश के लिए खेलने आए हैं। अभी 4 साल के बाद मैं दोबारा मैट पे आया हूँ, तो अब मैं कंटिन्यू टूर्नामेंट भी खेलता रहूँगा और टूर्नामेंटों में रहूँगा और जितना नज़दीक रहूँगा उतना अच्छा कर पाऊँगा। बस आप सबकी दुआएँ चाहिए कि जापान टोक्यो तक मैं इस चीज़ को खींच के रखूँ।